हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने यूके SSSC फॉरेस्ट इंस्पेक्टर 2020 के लिए आवेदन किया है। गाइस, यूके SSSC फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा जो है आपकी 16 जुलाई 2021 को आयोजित की जानी है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग यूके SSSC फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। गाइस, इस प्रैक्टिस सेट में भौतिक विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किया गया है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ का एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1000 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसी इकाई, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। पास्कल इकाई है, तो पास्कल इकाई जो है ये दाब की इकाई है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 100 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूं। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, बार, नॉट, जूल, ओहा। ऑप्शन ए जो है आपका बार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं 1.0 बार के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेल का 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 131 लीटर, 159 लीटर, 100 लीटर, 201 लीटर। तेल का 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 159 लीटर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है, जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फर्मीमीटर। क्यूक सेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। क्यूक सेक में क्या नापा जाता है, क्यूक सेक में मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, नॉर्थ, डॉप्सन, क्वाच, मैक्सवेल। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। शक्ति का मात्रक है, जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, शक्ति का मात्रक होता है वाट। 12वां क्वेश्चन, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो
हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फराद, वोल्ट, एम्पियर, ओम मीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है। तो भैया मेरे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जाहिर सी बात है दूरी की। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारसेक मात्रक है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक मात्रक है, तो भैया मेरे पारसेक मात्रक ये किसका है? दूरी की। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है गाइस, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो भैया मेरे एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1750, 746, 748। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एक माइक्रोन बराबर है, चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। एक माइक्रोन बराबर है, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए सभी बच्चे चलें ज्यादा से ज्यादा। टारगेट आज का रहेगा 100 लाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सोनार निम्नलिखित किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है गाइस, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है गाइस? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन डी जो है आपका ऑडियोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। उच्च दाब के, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब के। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन सी जो है आपका लैक्टोमीटर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
28वां क्वेश्चन है गाइस, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, कैरोटोमीटर। राइट आंसर होगा, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? कैरेटोमीटर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिगनोमैनोमीटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो भैया मेरे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लक्स मीटर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन देखिएगा गाइस, रडार उपयोग में आता है, रडार उपयोग में आता है, तो रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें, क्योंकि 16 जुलाई 2021 को आपका एग्जाम है, तो किन किन बच्चों का एग्जाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो किन किन बच्चों का एग्जाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी तैयारी कैसी है ये भी जरूर बताएं, और आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए ये जरूर बताएं आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाना से, डेसीबल पैमाना में, पीएच पैमाना में, सेल्सियस पैमाना में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंपों की तीव्रता जो है ये मापी जाती है रिएक्टर पैमाना में, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्कोग्राफ, सीस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रेनगेज। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। कैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता, पौधों में वृद्धि। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रसरण, विसरण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ के वेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।